क्वेश्चन क्या बोलता है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला? ओ हो हो, क्या बोल दिया? बिना डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किए, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। अब सुना क्या बोल रहा भाई? अच्छा बताओ, सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का बिना, शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके पॉइंट हैं? पैरेललोग्राम में खास बात क्या होती है? अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा ही बनेगा, अगर पैरेलल होगी तो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। और इक्वल भी होती है। हाँ इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अगर वो पैरेलल हो गई तो बराबर वो होंगी होंगी। जब पैरेललोग्राम बन रहा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा ये दोनों लाइन पैरेलल, ये इतनी बड़ी और फिर ये तो पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, ये तो बना ही नहीं। ये भी तो पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। वो ऑटोमेटिकली है कि लेंथ क्या हो जाएंगी? इक्वली होंगी लेंथ। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक बना देते हैं रफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और नाम लिख देते हैं इसका ए बी सी एंड डी। इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 2 -1 -2 -1। तो -2 -1 और बी के क्या है 4 0 और सी के क्या है 3 3 और डी के क्या है -3 and 2। ठीक है भाई, तो ये आपके पास गिवन है 4 पॉइंट और आपको शो करना है ये जो चित्र बना वो क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, तो इसमें हमने लेट कुछ नहीं किया, लेट कुछ नहीं किया, तो सीधा आपके पास 4 पॉइंट गिवन है क्या? ए बी सी एंड डी, इनके नाम लिख देना। ठीक है, ये गिवन है और मुझको शो करना है, मुझको शो करना है टू शो। क्या शो करना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, शो करना है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको बोलते हैं दैट इज, क्या बोलते हैं? ये शो करना है, मतलब इसका ये शो करना है। अब जो आगे लिखने वाला हूं आपको शो करना है ए बी सी डी क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। इसका मतलब हमें क्या शो करना है? अपोजिट साइड्स। क्या शो करना है? अपोजिट साइड्स, साइड्स क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये शो करना है। ठीक है भाई, तो कैसे शो करोगे बताओ? दो साइडें पैरेलल कब होती है? जब दोनों के स्लोप क्या हो जाएं? बराबर। जब दो लाइनों के स्लोप बराबर होते हैं तो वो क्या होती हैं? पैरेलल। और दो लाइनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है तो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, टू लाइंस आर पैरेलल। कब होंगी? जब उनके स्लोप बराबर आ जाएंगे तो वो पैरेलल, और दो के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा तो परपेंडिकुलर। तो मुझे शो करना है क्या कि अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या शो करना है? स्लोप आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब मैं चारों स्लोप निकालूंगा क्या? ठीक है भाई, स्लोप निकालूंगा किसका? ए बी का स्लोप निकालूंगा, किसका? बी सी का स्लोप निकालूंगा, किसका? डी सी का स्लोप निकालूंगा, किसका? डी ए का। चारों स्लोप निकालेंगे और अगर दो दो स्लोप क्या हो गए? बराबर आया ना, तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बना देते। चलो तो बिल्कुल आसान है। तो अब क्या फाइंड करने वाले हो आप? स्लोप ऑफ किसका? पहले ए बी का निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। हाँ चाहो तो नाम रख सकते हो इसके स्लोप का M1, इसका M2, M3 ऐसे करके नाम रख सकते हो, या सीधा ही कर दो, लिख दो स्लोप ऑफ ए बी लिख दिया आपने। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ ए बी। तो बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा? ए बी ये y2 - y1, बोलो y2 - y1 माइनस है, y2 - y1, y2 - y1 क्या है? -1 अपॉन में x2 - x1 4 - -2। क्लियर है भाई, इसको सिंपलीफाई करोगे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? प्लस का 6। तो कितना स्लोप आ गया इसका? 1/6। आप देखो ध्यान से आगे, स्लोप ऑफ किसका निकालोगे बोलो?
बीसी बोले तो निकाले भाई स्लोप ऑफ बीसी। बड़ा क्लेवर बच्चा ये। चलो भाई, अरे हाँ, क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ बीसी निकाले तो बीसी, बीसी का स्लोप क्या होगा? वाई टू माइनस वाई वन यानी थ्री माइनस जीरो, और x2 टू माइनस एक्स वन बोले तो थ्री माइनस फोर, बोलो कितना आएगा? ऊपर आ गया थ्री, नीचे कितना आ गया? माइनस वन, यानी कितना आ गया? माइनस थ्री। ठीक है भाई, अभी क्या निकालोगे बोलो? स्लोप ऑफ सी डी या डी सी, कुछ भी, एक ही फर्क नहीं पड़ता, स्लोप ऑफ सी डी। तो इसको बोल दो वाई टू माइनस वाई वन यानी टू माइनस थ्री अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री माइनस क्या? थ्री, अरे हाँ या ना। तो ये वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री, इधर ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना आ गया बोलो? ऊपर कितना आ गया? माइनस वन। नीचे कितना आ गया? माइनस सिक्स। माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया? वन बाय सिक्स। अब क्या करोगे बोलो? स्लोप ऑफ किसका निकालोगे? स्लोप ऑफ एडी। एडी का स्लोप कैसे निकालोगे? किसी को भी बोलो एक्स वन वाई वन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई टू माइनस वाई वन, अरे हाँ, किसी को भी बोल दो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, अरे हाँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया ऊपर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे हाँ, ये टू प्लस थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन हो जाएगा, ये कितना होगा? प्लस, तो माइनस थ्री प्लस टू हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया भैया? थ्री। नीचे कितना आ गया? माइनस वन। तो यानी कितना आ गया? माइनस थ्री। यस और नो? अब बताओ आपको दो दो स्लोप बराबर दिख रहे हैं? स्लोप ऑफ ए बी कितना है? वन बाय सिक्स, और स्लोप ऑफ सी डी कितना है? तो यानी कि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। और इसका स्लोप कितना है? माइनस थ्री। इसका स्लोप भी कितना है? माइनस थ्री। ये दोनों लाइनें भी क्या हैं? पैरेलल। तो हमने दिखा दिया स्लोप ऑफ किस किस का? ए बी बराबर क्या? स्लोप ऑफ, अरे हाँ, स्लोप ऑफ क्या? सी डी। इक्वल है, और क्या इक्वल है बोलो? स्लोप ऑफ क्या? बी सी, और इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी। क्लियर है भाई? तो आपको पता लग गया, अगर स्लोप बराबर है ये दोनों, तो इससे क्या पता लग गया? कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। और इससे क्या पता लग गया? बी सी जो है वो पैरेलल है किसके? ए डी के। तो इसका मतलब अपोजिट साइड क्या हो गई? पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। समझ आ गई बात भाई?